Hundreds of BJP supporters from SC SC Welfare Department joined hands to protest against the ruling Congress and State Chief Minister Siddaramaiah on Sunday. The protesters took to streets and raised slogans against the government over the rising atrocities on Dalits in Karnataka's Hubli. Giving details, one of the protesters said that due to Congress rule, Dalits are not allowed to enter various places, shops, and are also facing discrimination. भारतीय जनता पक्ष महानगर जिला एस सी एस टी मोर्चा से हम आज महानगर जिला में एक बृहद प्रतिभटना कर रहे हैं। ये प्रतिभटने कांग्रेस सरकार के ऊपर है। वो कांग्रेस सरकार कभी चार साल कर्नाटक में आए के बाद आज दलितों के ऊपर दौर्जन्य ज़्यादा होगा और कलगेट के में एक 20 कुटुंब के ऊपर बहिष्कार होकर उधर उनको पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए चावल दे रहे हैं, किराने दुकान में उनको क्या भी दे रहे हैं, उधर कटिंग शॉप में उसको उनको ले रहे हैं, सिर्फ गांव में उनको अपमान कर रहे हैं। स्टेट में ही दलितों के ऊपर बहुत दर्जन हो रहा है, स्टेट में दलित को जीना है मुश्किल कर दिया है सब लोग। ऐसा है कि ये कांग्रेस सरकार उनके ऊपर कोई का दर्जन हो गया, उनको रक्षण देना है, हाँ दलितों का रक्षण करना है, नहीं तो हम स्टेट के ऊपर हाल स्टेट से हम एस सी मोर्चा से उग्र प्रतिभटन करते हैं। The protesters held banners to show their anguish and sought measures to make the community feel safe.